नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका भाई प्रतीक मलिक और स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल TCF प्रतीक मलिक पर। और आज हम लेकर आए हैं मैथ का लेक्चर नंबर 4, जो आपका सीटेट का क्रैश कोर्स चल रहा है मैथ का पेपर 1 के लिए, उसका लेक्चर नंबर 4 है। और जैसे कि मैंने आपको बता दिया, इसके बाद हम इंग्लिश का कराएंगे फटाफट ये करके। 20 लेक्चर आएंगे या 18 आएंगे, इस मैथ्स के टॉपिक बांट रखे हमने, टोटल 20 टॉपिक निकले हैं। तो आज हम करने वाले हैं फ्रैक्शन, ठीक है, भिन्न भिन्न और उसकी प्रॉब्लम्स जो होती हैं किस तरह के क्वेश्चन आते हैं सारे हम करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले तो आपको भिन्न पता होनी चाहिए। भिन्न क्या है भाई? जो भी बटे के फॉर्म में लिखी जाती है, अपोन के फॉर्म में लिखी जाती है, उसको हम भिन्न कह सकते हैं। तो देखिए, 3/4 ये हमारी है भिन्न, यानी कि फ्रैक्शन। अब इसमें ऊपर वाला जो होता है वो होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला होता है डिनोमिनेटर, ठीक है। नीचे वाला डिनोमिनेटर, ऊपर वाला न्यूमरेटर। अगर मैं इसको शो करूंगा तो ये इस तरह से शो होगा भाई, कि 3 पार्ट तो भर दिए और 4 पार्ट, ये नीचे वाला होता है जो टोटल पार्ट्स होते हैं, और ये होता है जो बाकी जितने फील्ड होते हैं, ठीक है, शेडेड रीजन होता है। तो ये 3/4 है, समझ आ गया सबको। चलिए, अब एक चीज तो ये थी। दूसरा, अब इसी में अगर मैं बताऊं तो 3/4 तो कोई भी कर देता है कि सर यही होगा। अब बात करते हैं कि मान लो 7/3 हो, 7/3 में क्या करेंगे? अब देखो, इसके अंदर क्या करना होता है, मान लो इसके अंदर हमारे पास में ये सेम यही बात है कि एक पैकेट में भाई 3 बिस्किट आते हैं, ठीक है, और आपने कहा मेरे को तो 7 खाने हैं, तो उसको कैसे करेंगे? तो मम्मी कितने देंगी? तो भैया 2 पैकेट तो पूरे पूरे दे देंगी और एक तीसरे पैकेट में आपको आधा दे देंगी, ठीक है। तो अगर मैं इसकी फ्रैक्शन बनाऊं तो ये इस तरह की बनी है, ये हुआ। इसको बोलूंगा 3/3, इसको बोलूंगा 3/3, इसको बोलूंगा 1/3, इसको क्या बोल सकता हूँ, 1 बोल सकता हूँ, इसको 1 बोल सकता हूँ। तो इसको मैं बोल सकता हूँ 2 सही 1/3, समझ आया? 2 पूरे पूरे दे दिए और तीसरे वाले में से 1 दे दिया। सीधा सीधा आप ये देख सकते हैं, सेम यही तो चीज़ थी जो मैंने यहाँ शो करी है, कि बच्चे ने कहा कि 3 बिस्किट में, वो पैकेट में 3 बिस्किट आते हैं और मुझे 7 खाने हैं, तो 2 तो पूरे पूरे खा लेगा वो और एक एक जो बच जाएगा उसमें 1/3 खा लेगा उसमें से, ठीक है। तो यही चीज़ थी। तो ये इक्वल है इसके, ठीक है, तो ये इक्वल है, समझ गए? तो ये होता है हमारा। अब इसको अगर वापस इस फॉर्म में करना हो तो हम क्या करते हैं, 3 × 2 6 + 1, इनको मल्टीप्लाई करके ये प्लस में कर देते हैं, ये वापस बन जाता है 7/3, समझ आ गया। चलिए, एडिशन कैसे होता है, मल्टीप्लीकेशन कैसे होता है वो भी समझ लो। सीधा सीधा होता है, मान लो 2/4 + 1/4 करना है, तो जब ये नीचे वाला सेम होता है तो हम कुछ नहीं करते, ऊपर ऊपर वालों का प्लस कर लेते हैं और नीचे वाला ऐसे कैसे रह जाता है, 3/4 हो गया। लेकिन बात आती है जब जब यहाँ 2/3 हो और प्लस ये 1/4 हो, ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। तो या तो आप इसको भी 3 बना लो या इसको भी 4 बना लो, ये होता है। तो हम क्या करते हैं, इसमें से दोनों को ही आपस में बना लेते हैं, एक ऐसा नंबर, ना तो अब ये 3 बन सकता ना ये 4 बन सकता, ठीक है। तो हम करते हैं कि इन दोनों को मिला के कोई ऐसा नंबर बना ले जो दोनों से डिवाइड होता हो, जिससे हम मल्टीप्लाई कर सके। तो मेनली एलसीएम वगैरह लेते हैं, लेकिन एलसीएम भी लो चाहे मत लो, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई करके कर लोगे तब भी वो सेम ही रहता है। तो नीचे वाले मैंने मल्टीप्लाई कर लिया 3/4, 3 और 4 12। अब क्या हुआ, अब अगर आपने ये आपस में मल्टीप्लाई करे तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो, इसको इसको से मल्टीप्लाई कर दो, 8 + 3 11/12, ठीक है, ये आंसर आ गया हमारा। अब कुछ बच्चों को दिक्कत हो रही होगी कि सर एलसीएम लेना पड़ता है हमें, भाई जरूरत नहीं है एलसीएम लेने की, बस हमें सिखाया जाता है कि एलसीएम ले लो, वरना फिर थोड़ी सी दिक्कत होती है कि कैंसिल करना पड़ता है, वरना जरूरत नहीं है। देखो एक और चीज दिखाता हूँ, मान लो मैं दे रहा हूँ 3/4 + ध्यान से देखना ये 5/6, अगर दोनों तरह से करके दिखाऊंगा, अपना जो मेरा मेथड है उससे भी और जो एलसीएम वाला मेथड है उससे भी। देखिए, नीचे वालों को आपस में मल्टीप्लाई कर लो, 24 आ गया, इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो 18,
इसको इससे मल्टीप्लाई करके लिख दो 20, तो ये क्या हुआ 38/24। अब इनको कैंसिल कर लो, 19/12 आ गया, समझ आया, दो से काट दिया मैंने। अब अगर एलसीएम लिख करते आप तो क्या करते, उसमें झंझट पड़ता है थोड़ा सा लास्ट में, यहाँ पे तो एक बार कैंसिल करना पड़ा, वो अलग अलग करना पड़ता है। ये क्या हुआ, इसको करा एलसीएम लिया 12, अब 12 को इससे पहले डिवाइड करो 3, 3 से मल्टीप्लाई करो 9, प्लस 6 करो 2, 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5 10, 19/12। मेरे को ये वाला मेथड मैं कभी यूज नहीं करता, मैं हमेशा से यही करता आया हूँ, नीचे नीचे वालों को मल्टीप्लाई कर दो और क्रॉस में मल्टीप्लाई करके लिख दो और फिर बाद में काट दो, तो यही चीज होती है। ठीक है, अब आते हैं डिवाइड पे। डिवाइड वाला समझ लो भाई थोड़ा सा, इसमें क्या चीज होती है, मान लो 4/3 डिवाइड बाई 1/2, तो इसके अंदर जो ये पीछे वाला होता है ना, हम इसमें कभी भी डिवाइड सीधा नहीं कर सकते, हमें मल्टीप्लाई के फॉर्म में करना होता है, बस इस पीछे वाले को चेंज करना होता है, उसका रेसिप्रोकल करना होता है, व्युत्क्रम करना होता है उसको। तो 4/3 ऐसे कि ऐसे लिखा जाएगा, ये गुना में हो गया और ये अब 1/2 था तो ये 2/1 हो गया, समझ आया, ऊपर वाला नीचे चला गया और नीचे वाला ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये हमारा आ जाएगा 8/3, क्लियर है। इसी तरह से अगर आप देखेंगे तो ये सेम ये चीज सब में चलती है। मान लो 10/5 करना हमें, हम आंसर निकाल देते 2, पर एक्चुअली वो भी तो यही होता है, वही तो था, 5/1 था, 1/5 कर लिया, इज इक्वल टू 2 काट दिया हमने, आया समझ में, होता यही है, बस हमको सिखाया अलग अलग तरह की किससे जाता है कि फ्रैक्शन में ऐसे होगा, होता हमेशा ऐसे ही है, बस हमें बताई नहीं जाती ये चीजें। चलिए, इतनी चीज पता चल गई है आपको। अब आते हैं क्वेश्चंस पे। अच्छा, एक चीज और बता दूं, मान लो आपसे पूछा जाए 10 में कितने दो हैं, 10 में कितने दो होते हैं, तो आप क्या कहेंगे, अगर मैं 10 में से दो दो के ग्रुप बनाऊंगा तो कितने बन जाएंगे, 5 हो गया। इसका मतलब यही तो है कि 10 में कितने दो होते हैं, 5 होते हैं भाई। 100 में कितने 10 होते हैं, 10 होते हैं। हम क्या कर रहे हैं, 10 में कितने दो होते हैं, हमने कर लिया ये, डिवाइड कर दिया उसको। जो भी है इस तरह का क्वेश्चन आए, 100 में कितने 10 होते हैं, इस तरह के क्वेश्चन सीडेट में आते हैं, इसलिए बता रहा हूँ, ये 10 होते हैं। अब यही चीज अगर फ्रैक्शन में पूछ लेते हैं तो दिक्कत हो जाती है हमारे साथ में। देखिए, फ्रैक्शन की एक चीज बताता हूँ, समझना इस चीज को। अगर वो पूछे कि 1/2 में कितने 1/4 होते हैं, समझो इस चीज को, तो क्या वो क्या कहना चाह रहा है। देखो, 1/2 बना के देखो कैसे बनेगा। मान लो ये हो गया, ये 1/2 हो गया, आया समझ में। 1/4 कैसे बनेगा, 1/4 बनेगा इस तरह से, समझा। अब 1/4 क्या ये है, अब ये 1/4 यहां कितने हो गए, तो ये आ गए 2। ऐसे 1/4 1/2 में कितने निकल सकते हैं, 2 निकल सकते हैं, यही तो चीज थी। अब अगर मैं उस तरह से क्वेश्चन करना चाहूं तो कितने 2 होते हैं, डिवाइड बाई 1/4, यही तो चीज है। अब मैंने बता रखा था कि ये क्या चीज होता है, ये मल्टीप्लाई हो जाता है 1/2 × 4 इज इक्वल टू 2, आंसर वही आ गया मेरा, समझ आ गया। चलिए, अब आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन यहीं से स्टार्ट करते हैं भाई, बहुत बार पूछा गया ये क्वेश्चन। 1/2 में कितने 1/8 होते हैं, फिर वही वाली चीज है, 1/2 कितने होते हैं, जो बड़े वाला होता है ना 1/2 में, अगर हिंदी में पढ़ोगे आप तो इस 1/2 में कितने 1/8 होते हैं, वही है, हाउ मैनी 1/8 आर इन, जो बड़ा है वो आगे लिखा जाएगा, डिवाइड बाई 1/8, 1/8 अब ये मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/2 × 8, बता रखा है, डिवाइड चेंज हो जाता है, 4 आ गया आंसर भाई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, 2012 में फिर आ गया था, फिर वही चीज है, 2/3 / 1/6, 2/3 × 6, यहां से भी आंसर 4 आ गया है, समझा रहा हूं भाई धीरे धीरे करके। अब देखो, इसमें ये फ्रैक्शन फॉर्म में दे दिया तो इसके अंदर हम चेंज कर लेंगे, इसको चेंज करेंगे, मैंने क्या बताया था, 3 × 3 9 + 10 हो गया, 10/3 / 1/6, तो 10/3 × 6 220 आंसर आ गया मेरा, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर वैसा ही क्वेश्चन आ गया भाई,
फरवरी 2015 में आया था ये क्वेश्चन, 6/5 मल्टीप्लाई 10, अब सीधा लिख लिया मैंने डिवाइड वाला वो छोड़ के, 12 आंसर आ गया है। चलिए फिर मुंबई में भी यही आया था, देख लो अब सीटेट कितना सिंपल है, बस ये चीज़ है, हमें ये चीज़ करवाई नहीं जाती, अगर सीधा सीधा आप बिना पढ़े इस तरह की चीज़ें जाएंगे, ये कंसेप्ट आपको नहीं पता होंगे, क्योंकि ये चीज़ें कंसेप्ट अगर आपको क्लियर होंगे तभी हो सकती हैं ये चीज़ें। 2, 6 आ गया आंसर। चलिए अब देखो दिसंबर 2018 में अब की बार क्या था, क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया, ये सेम यही क्वेश्चन है पर घुमा दिया, इन्होंने कहा कि 3 सही 1/4, ठीक है, 3 and 1/4 केजी में कितनी 1/16 केजी की चीनी के पैकेट बन सकते हैं, सेम वही है कि कितने होंगे, तो वही वाली चीज, तो क्या करते 3/4 यानी कि 13/4 मल्टीप्लाई 16, वही चीज थी ना 13/4 डिवाइड बाई 1/16, इसको चेंज कर दिया मैंने इसमें, अब कट गया 52 आंसर आ जाएगा मेरा, समझ आया। 2018 में भी आया ये क्वेश्चन जो लास्ट सीटेट गया आपका, देख लो पेपर पैटर्न थोड़ा सा कह सकते हैं चेंज हो रहा है, लेकिन इससे पहले का अगर देख लोगे तो सेम यही क्वेश्चन होते थे। अब देखो 2015 में और जो दूसरी तरह का क्वेश्चन आ रहा है वो यहां से आ रहा है, देखो इन्होंने कहा कि टोटल चॉकलेट कितनी है 12, अब ये कह रहा है मंजू ने 1/4 दे दिया अंजू को, ठीक है, ऑफ ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, भाई सबको पता होना चाहिए ऑफ का मतलब क्या होता है, जब बोर्ड मास पढ़ते हो बोर्ड मास तो इसके अंदर पहले ब्रैकेट होती है दूसरा नंबर होता है ऑफ, ऑफ का मतलब होता है का मतलब मल्टीप्लाई, समझ लेना इस चीज को, ठीक है। तो चलिए ये पढ़ते हैं 12, तो इसने क्या कहा, मंजू गे 1/4 ऑफ इट यानी कि 12 का 1/4 किसको दे दिया, अंजू को दे दिया, कितना दिया है 3 आ जाएगा काट लोगे तो, ये तो हो गया अंजू का, ए लिख दिया भाई मैंने आगे, ठीक है, 1/3 ऑफ इट टू सुजाता, 1/3 सुजाता को दे दिया 1/3, 1/3 1/3 तो होता है ये कट गया, ये हो गया सुजाता को, और फिर दे दिया फिजा को 1/6, 12 1/6 = 2 फिजा को, तो उसने कहा उसके पास टोटल अब कितनी बच गई, तो देखो भाई उसने 3 दे दी 4 दे दी और 2 दे दी, यानी 4 और 2 6 6 और 3 9, 9 चॉकलेट वो दे चुकी है, बाकी बची कितनी 12 थी उसके पास टोटल, 12 - 9 3, क्वेश्चन सेम है देख लो, ठीक है आंसर आ गया 3। अगला फरवरी 2015 में सेम इसी तरह का क्वेश्चन आ गया, रवि के पास 3 दर्जन चॉकलेट है, जब बस अब 3 दर्जन चॉकलेट हो गई, अब इसको कहेंगे 3 दर्जन यानी कि 1 दर्जन में 12 चीजें होती हैं, तो ये 36 चीजें हो गई, ठीक है, उसने उनका 1/3 भाग अपने पड़ोसी को दिया 1/3, अब 36 × 1/3 36 × 1/3 1/6 भाग, यानी कि फिर वही वाली चीज आ गई 1/6 और 1/4 भाग, ठीक है 1/4, यहां से आ गया 9, यहां से आ गया 6 और यहां से आ गया 12, अब वो कितनी दे चुका है चॉकलेट्स, अगर आप देखोगे फिर वही वाली बात है कितनी बची हुई है, ठीक है, तो यहां से देखो कितनी दी है उसने 15 15 27 27 चॉकलेट वो दे चुका है, टोटल 36 थी, 27 उसने बांट दिए, देखो ये रहा जोड़ इनका 27 है, 9 चॉकलेट बच गई, आंसर आ गया मेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सोनू हैज 5 dozen टॉफी, फिर वही वाली चीज, 60 टॉफी है उसमें से उसने 1/3, अब मैं सीधे सीधे करूंगा भाई, 1/3 का मतलब होता है 20, 2/5 का मतलब होता है मल्टीप्लाई 2/5, अगर इसको करते हैं तो ये आ जाता है 24, ठीक है काट लेना। अनिल 1/12 की बात करता हूं तो 1/12 आ जाएगा 5, ठीक है, अभी इन सबको जोड़ूंगा तो 49 बन जाएंगे, और टॉफियों की संख्या कितनी बच गई 11 आंसर आ गया भाई मेरा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, निशु के पास 6.5 दर्जन चॉकलेट है, अब देखो इसमें कई बार ये होता है हम खाली ये पड़ जाते हैं 6 दर्जन चॉकलेट, लेकिन 6.5 यानी कि 6.5 यानी 6 दर्जन यानी कि 72 पूरी, आधा दर्जन यानी कि 6 और, तो ये हो गई 78 ठीक है भाई, इंग्लिश वालों थोड़ा सा हिंदी में ज्यादा बोल रहा हूँ पर समझना इस चीज को,
ये कहा 6.5 dozen चॉकलेट है उसके पास में, तो 6 dozen यानी कि 12 into 6 72 और 1/2 dozen यानी कि 6 हो गई उसके अंदर, ठीक है। ये चीज हो गया 78 है उसके पास में। अब वही देखो, अब इनका 1/6 उसने दे दिया, 1/6 अगर मैं इसका करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 13, अगर मैं 1/13 करता हूं तो मेरे पास आ जाता है 6, और फिर कह रहा है अब इनका आधा आधा पार्ट करता हूं मैं 78 का तो आ जाता है 39, ठीक है। हाँ 39 आएगा, ठीक है। अब वो कह रहा है अब उसके पास कितनी बची है चॉकलेट, तो भैया ये देख लो कितना हो गया, ये सीधी सीधी अगर इसके अंदर करूंगा तो ये 9, 18, 1, 58 चॉकलेट थी, 58 चॉकलेट उसने दे दी, 78 चॉकलेट टोटल थी, तो बाकी 20 बच गई। समझ आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं 1/4 पिज्जा तो खा लिया रेनू ने खुद, और बाकी 12 बच्चों में बांट दिया। बांटते हैं तो डिवाइड करते हैं, 1/4 खा लिया, 1 पिज्जा था उसने 1/4 खा लिया, यानी कि 3/4 बच गया उसका पिज्जा, है ना। 4 हिस्से थे पिज्जा में, उसमें से एक हिस्सा खा लिया, बाकी कितना बच गया, 3/4 बच गया। इस तरह से भी कर सकते थे, या 1 में से 1/4 माइनस करके। अब कह रहे हैं उसको क्या किया, 12 बच्चों में बांट दिया। 12 बच्चों में बांट दिया तो कैसे बांटते हैं, डिवाइड कर लेते हैं बच्चों में, कितना कितना बच्चे को मिला अगर बात करनी हो तो। ये तो डिवाइड कर दिया 12 से, डिवाइड करने का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करके 1/12 लिख दिया, 1/16 आंसर आ गया भाई, ये रहा सॉरी, ठीक है। अगर पूछा जाता 3 बच्चों को कितना मिला तो 3/16 हो जाता, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन है हमारा, एक दूसरे तरह के आते हैं, बॉयज एंड गर्ल्स वाले और प्लेयर वाले क्वेश्चन बोलता हूं मैंने, सीक्रेट में प्लेयर वाले क्वेश्चन आते हैं। कह रहे हैं 660 स्टूडेंट है भाई, देख लो 660 है, इसमें से कह रहे हैं 2/3 तो बॉयज है, 2/3 बॉयज है, 2/3 यानी कि अगर मैं मल्टीप्लाई करूंगा 2/3 से तो ये हो जाएगा 440 तो हो गए ये बॉयज, और यानी कि फिर बाकी कितनी बच गई, 220 गर्ल्स बच गई, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 3/4 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज आर, अब इसमें से जो 3/4 है ना, ये इसका 3/4 ये हमारे प्लेयर हैं, तो क्या हो गया, यानी कि 330 बॉयज प्लेयर हो गए, 440 टोटल थे, वो मैंने कैसे किया, 2/3 से करके कर लिया। अब कह रहे हैं इसका भी जो 3/4 है वो प्लेयर है, और लड़कियों का कह रखा है 1/4, यानी कि 1/4 करेंगे हम इसका तो आएगा 55, ठीक है। तो 55 और ये हमारे पास टोटल बॉयज प्लेयर आ गए, 330 बॉयज है और 55 गर्ल्स प्लेयर्स है। अब कह रहे हैं टोटल नंबर ऑफ प्लेयर इन स्कूल, स्कूल में टोटल नंबर ऑफ प्लेयर कितने थे, सीधी सी बात है जोड़ दो, 385 आंसर आ गया हमारा। चलिए चल हो गया नेक्स्ट, उसी तरह का क्वेश्चन है, फिर लिख लो 360 ऊपर, 2/3 ऑफ आर गर्ल्स, 2/3 का मतलब हो गया 240, अब कर लेना भाई इस चीज को, और ये 120 बॉयज रह गए, ठीक है। अब कह रहे हैं कि 2/3 लड़कियां हैं और ये ठीक है, 3/4 खिलाड़ी हैं, लड़कों की संख्या की 3/4 खिलाड़ी हैं। अब बॉयज बॉयज पे बात करी इन्होंने, बॉयज ठीक है, 3/4 ऑफ द बॉयज आर प्लेयर, तो 3/4 यानी कि 90 स्टूडेंट होंगे ना, 120 इंटू में करके देख लो, देखो ये 90 हो गया। अब ये कह रहे हैं द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर नॉट प्लेयर्स, अब कह रहे हैं सीधा आ गया, 90 प्लेयर है तो 120 में से यानी कि 30 बच्चे ऐसे हैं जो प्लेयर नहीं है, लड़के 30 लड़के ऐसे हैं जो प्लेयर नहीं है। चलो भाई नेक्स्ट, कह रहे हैं टोटल गोल लगे हैं, ए ने मार दिए 11, बी ने मार दिए 13, तो कह रहे हैं फ्रैक्शन बताओ कि टोटल गोल डिड, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल गोल डिड ए, ए ने कितना किया था, ए ने किए थे 11, टोटल कितने हुए थे, 14 हुए थे, 11 + 3 है ना, आंसर आ गया मेरा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई में आया था भाई ये क्वेश्चन, मुंबई में सीटेट अलग हुआ था, हरियाणा में जाट आंदोलन की वजह से अलग हुआ था, तो वो भी कर लिया था। 2018 में इस तरह का क्वेश्चन आया था। अब ये कह रहे हैं कि रेड पार्ट, देखो रेड पार्ट यहाँ ये देखने वाली बात है, रेड पार्ट है वो 40 है, यानी कि ये जो हाफ एरिया है ना, हाफ एरिया 1/2 क्या है मेरा 40 है, तो मेरा पूरा कितना होगा, पूरा पूरा मेरा 80 होगा, समझ गए,
80 पूरा है। अब उन्होंने पूछ लिया व्हाइट के बारे में, बताओ व्हाइट पार्ट क्या है, तो 80 अगर पूरा है तो ये कितना हो गया, 1/8 हो गया, 10 आ गया आंसर। चलिए समझ आ गया, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया दोस्तों तो इस वीडियो को लाइक करें, और इसी तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कर दें। धन्यवाद, आपका दिन शुभ रहे।